राधे 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 राम सुंदर आश्चर्य की बात है कि शिष्य परम पूज्यपाद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी कहां भारत से इतनी दूर इस टापू में भी आकर और भगवान नाम का इतना प्रचार किया कि यहां पर भी वो कैसे सुंदर कीर्तन करने वाले हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये उन्हीं की महिमा है। दिस इज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ स्वामी जी, ग्लोरी ऑफ स्वामी जी। वेरी फॉर अवे फ्रॉम इंडिया, अ लिटिल आइलैंड लाइक फिजी, ही केम ट्वाइस ही केम and wonderfully he attracted so many people. Though bhakti is somewhat inborn in the bloods of Indians, they prefer in India, especially near places to Vrindavan, Bengal, Gujarat, everywhere in South India, everywhere. But especially
वन पॉइंटेड भक्ति ऑफ राधा कृष्ण इट इज वेरी रेयर दैट ही वांटेड टू प्रीच. वो इसको प्रचार करना चाहते थे, क्योंकि हमारे गोस्वामी लोग महाप्रभु जी रूप गोस्वामी इत्यादि प्रचार करते गए. अब इस चीज की आवश्यकता है कि ये प्रदीप जो उन्होंने जलाया ये बुझ न जाए, बल्कि इसमें तेल थोड़ा सा और अधिक दिया जाए, घी, जिससे इसकी बत्ती और भी अधिक प्रज्वलित हो जाए. The lamp he has lightened. There must be given some oil or ghee in this, so that it should not be extinguished. So इसीलिए मैं थोड़ा सा आया. मैं भी जहां जहां वो गए वहां जाने का प्रयास कर रहा हूं, वो प्रदीप बुझ न जाए. यही सनातन धर्म. अभी ब्रह्मचारी जी आप लोगों को हरि कथा सुना रहे थे. ये कथा में आप लोगों को बतलाना चाहूंगा, बहुत बड़े भाई धनाढ्य भारतवर्ष के राजा महाराज परीक्षित, परम विद्वान, बुद्धिमान व्यक्ति थे परीक्षित महाराज. वॉज वेरी हाई क्लास ऑफ लर्नेड पर्सन एंड ही वॉज इन फॉर दैट टाइम. इंडिया वॉज नॉट लाइक नाउ इट इज लाइक होल वर्ल्ड. So he was very learned person, and you know how he was caused by a rishi that after 7 days a snake will come and bite. सातवें दिन एक तक्षक आपको आएगा काटेगा, और तत्क्षणात उन्होंने राज्यपाल छोड़ दिया. क्या ये ठीक चल रही है? चेंज कर दो, सेल डाउन है इसे. वो भी सब तो हुए थे ऋषियों के द्वारा, तक्षक के दास ऋषियों ने उनको अभिशंपाद्या सातवें दिन तू मरेगा, कोई भी नहीं बचा सकता. बड़े बड़े उस समय में ऋषि थे जो सांप के कटे हुए के आदमी मर जाए तो भी उसको जीवित कर देने वाले नारद जी थे, और सब लोग थे उस समय. धनवंतरी भी थे जो कि जीवित कर सकते थे. तब उन्होंने राज्यपाल छोड़ करके चले गए, और वो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज एट वंस गिव अप हिज होल किंगडम, फैमिली लाइफ एंड वेंट टू द गैंजेस. नथिंग ही टूक विथ हिम एंड ही टेलिंग टू सुखदेव गोस्वामी निवृत्त तथर्षय उपगीयमाना छत्र मनोभिरामात मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणान वादात कुमान बिना पशु. भगवान की ये जो लीला कथाएं हैं इसको कौन नहीं सुनेगा? केवल वही नहीं सुनेंगे जो अपनी आत्महत्या करना जानते हैं और दूसरों की हत्या करना जानते हैं. इसके अतिरिक्त जो धन संपत्ति चाहते हैं, विषयी हैं, जो त्यागी हैं, सब प्रकार से सब कुछ छोड़ चुके हैं, जो भक्तिमान हैं,
इस प्रकार से जितने भी आदमी हैं उनके लिए ये भाव रोग की औषधि है। दिस इज इट, अचूक औषधि, मेडिसिन विच विल बी ऑलवेज सक्सेसफुल, इनफेलेबल मेडिसिन। सो यदि कोई विषय भी है, फैमिली में भी है, धन संपत्ति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं संसार से, या भक्ति चाहते हैं या प्रेमा भक्ति चाहते हैं, सबके लिए भगवान की कथा जो कि श्रीमद् भागवत में वर्णन है उसका श्रवण करना चाहिए और उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए। यदि धन भी चाहिए तो उनको करना चाहिए, जो आप अपनी विद्या बुद्धि से कर सकेंगे, और जो उससे नहीं होगा वो भी भगवान नाम के कीर्तन और भगवान की कथा सुनने से वो भी हो जाएगा। और वो चीज एक ऐसे देगी आपका जीवन शांतिमय और सुखमय हो जाएगा और सदा के लिए संसार से मुक्त होकर के प्रेममय आपका जीवन नित्यकाल के लिए बन जाएगा। आप लोग परीक्षित महाराज जी से धनी नहीं है कोई इस विश्व में, उनसे विद्वान भी नहीं है, समस्त वेदों के उपनिषदों के शास्त्रों के ज्ञाता थे। जिनके ये संवाद को सुनते ही सारे भारतवर्ष के 88,000 ऋषि वाल्मीकि जैसे लोग, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी, गौतम, कवि, हवि, अंतरिक्ष, नारद, व्यास, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि सभी लोग पहुंच गए, जिनके दर्शन करने से ही सब अविसंपात इत्यादि कहां दूर हो जाते हैं, वो लोग भी यहां पर आ गए और बिना मांगे उनको दर्शन दिया। भगवान का दर्शन उतना लाभकारी नहीं है जितना भक्तों का, भगवान के दर्शन से भी अधिक उनके परम भक्तों का दर्शन बहुत महिमाशील। तो ऐसे ऋषि लोग वहां पर आ गए और ये सुखदेव गोस्वामी जी के लिए कह रहे हैं, जो कोई भी हो संसार में उनके लिए भगवान की कथा से बढ़कर के और कोई चीज नहीं है। इस जगत में अपने बल से यदि पैसा कमाएंगे अपने बुद्धि से, उसमें सुख नहीं होगा, उसे शांति नहीं मिलेगी, और इसके माध्यम से जो पैसा आएगा भगवान का नाम करेंगे उनकी कृपा से, उस भावना से वो धन संपत्ति भी आएगी, वो आपका अनर्थ नहीं करेगी, उससे भक्ति कराएगी और आपका जीवन सुखमय शांतिमय हो सकेगा। आज तक ऐसा किसी ने जन्म नहीं लिया जो पैसे से जिसको शांति हुई हो, इस चीज को समझिए। हम आत्मा हैं, इसके अंदर भगवान के नित्य दास हैं, उनको छोड़ करके आने से हमारी दुर्दशा हुई। यह पहला जन्म नहीं है, यह पहला जन्म नहीं है जो हम मनुष्य हुए हैं, और अंतिम जन्म भी नहीं है। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा, आपको मनुष्य जन्म में ऐसे सुयोग देंगे जो भजन करने के लिए स्वस्थ शरीर, परिवेश, फैमिली वैसे मिल जाएगा। किंतु यदि इसमें चूक गए, आत्मा को नहीं समझा, भगवान का भजन नहीं किया, जिसमें पैसे की भी जरूरत नहीं होती है, तो आपका जीवन बेकार का हो जाएगा। फिर लाखों जन्म लगेंगे फिर मनुष्य जन्म लेने में, कि वो भी नहीं मिलेगा। इस चीज को अच्छी तरह से गांठ बांध करके रखिए। इसलिए इस मनुष्य जन्म में ही हमको सब कुछ करना है, यदि चूक गए तो सदा के लिए चूक गए। फिर न जे गधा, न सुअर, न जे मछली, न जाने क्या जन्म होगा, कोई ठीक नहीं। बड़े सौभाग्य से ऐसा संत समाज मिला है, ऐसा मनुष्य का शरीर मिला, साधुओं का संग मिला, गुरु का संग मिला, और फिर भी यदि इसमें आप भगवान का भजन नहीं करेंगे तो ये मनुष्य जन्म विफल जाएगा, ये एकदम गारंटी है। इसमें तनिक भी मिथ्या बात नहीं।
इसलिए भगवान की कथा सहज रूप में सुननी चाहिए। भगवान की कथाओं में पैसा नहीं लगता, कोई एनर्जी भी नहीं लगती। देखिए न साधु संत लोग बिना बुलाए हुए चले, स्वामी जी को कोई बुलाया था न कि चेष्टा करके चले। जीवों के दुख से दुखी होकर के ये संसार में रचे पिचे हुए हैं, भोगों में लिप्त हैं, इसलिए इनकी सहायता करनी चाहिए, इनका कल्याण कैसे हो, इसलिए वो आए। इसलिए कितने वो करुणाशील हैं आप लोग समझिए, जिनके बदौलत आज फिजी में सब लोग हरिनाम कर रहे हैं कुछ लोग, और उनके वजह से ही मैं आया, उनके संपर्क से आया, नहीं तो यहां हमारे आने की जरूरत। इसलिए आप लोग जरूर हरिनाम करेंगे, चलते फिरते उठते बैठते छींकते समय भी टहलते हुए भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ऑफिस में जरूरी काम में जा रहे हैं तो वो भी भगवान का स्मरण करके जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा, किसी भी काम में जा रहे हैं। इसी तरह से ये भगवान की भक्ति होती है, तब ये निश्चित रहता है कि हमारी उत्तम गति होगी, हम सुखी रहेंगे। इसलिए कहा हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व गति रहने कथा। कली काल में भगवान के नाम के अतिरिक्त और गति नहीं है भाई। तुलसीदास जी तो स्पष्ट कहते हैं भजिए राम सब सुत सिद्धांत यह है उर्गारी, भजिए राम सब काज विसारी, सब काज विसारी, सब कामों को भी छोड़ करके भगवान का भजन कर। तू एक दिन ऐसा आएगा आप कोई काम ही नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकते, अंत में शरीर भी छोड़ देना पड़ेगा, चाहे लाख उपाय कीजिए जरूर ऐसा होगा। इसलिए चेत करके हम लोगों को बड़े आदर से थोड़ा थोड़ा अभी से प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो पीछे मरते समय याद नहीं रहेगी, आप नहीं कर सकते। उस समय में कफ बात वित्त ऐसा घेर लेगा अब उच्चारण नहीं कर सकते, याद ही नहीं रहेगी। इसे अभी से प्रयास करना चाहिए। एक हारमोनियम बजाने के लिए मास्टर की जरूरत होती है, स्कूल कॉलेज में बच्चों को देने के लिए दिया जाता है कुछ शिक्षा के लिए, अपने आप नहीं सीख सकते। तो इस विषय में यदि कोई ऐसा सद्गुरु हो जो कि उस लाइन पर चल करके कुछ अनुभूति किया हुआ हो, संसार से कहीं भी राग द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, और निरंतर भगवान नाम में डूबे हुए हैं, सांसारिक विषयों से अनाशक्त भी हैं, ऐसे कोई महात्मा मिल जाए सौभाग्यवशतः, उनके गाइडेंस में हरिनाम करना चाहिए। बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई ज्यों तिरंज शंकर सम हो, ब्रह्मा और शंकर के समान भी ये उनके लिए नहीं कहा गया, वो तो भगवत भक्त हैं, परम भगवत भक्त, उनके समान भी कोई हो जो विश्व का सृजन भी कर सकते हैं, जो कुछ इच्छा मांगो वो दे सकते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो भी बिन गुरु भवनिधि करेंगे कोई। इसलिए गुरु करना भी आवश्यक होता है, उनके गाइडेंस में हम लोग यदि भजन करें थोड़ा भी तो हमारा अवश्य एव कल्याण होगा। एक समय समय हो गया एक समय में बाप और बेटे में लड़ाई हो गई, वो बाप बेटा कौन, बाप है हिरण्यकश्यपु और बेटा है प्रहलाद। प्रहलाद कह रहे पिताजी कह रहे हैं करो कुछ, पहले क होगा तब ख होगा, पहले करो और तब कुछ खाओ, पहले राजनीति सीखो, कैसे पैसा पैदा किया जाता है ये सीखो,
और कैसे प्रजाओं का कंट्रोल किया जा सकता है ये सीखो, दूसरों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये सीखो, जगत में समाज में रहना सीखो। और बेटा कहता है कि नहीं पिताजी, भगवान के ऊपर में विश्वास करें, भगवान का भजन करने से, उनका नाम करने से सहज रूप में जीवन सुखी पूर्वक निर्वाह हो सकता है और जीवन। तो तुम यदि नहीं करेगा तो खाएगा क्या? तो अजगर करे न चा करी, पंछी करे न काम। अजगर क्या नौकरी करता है और पंछी इतने सब क्या काम करते हैं? भाई पूर्व जन्म में जैसा किया है, बिना प्रयास के भी ऐसे रहोगे तुम्हारा सब काम हो जाएगा। यह जन्म तो केवल भगवत अनुभूति कर करके, अपनी अनुभूति करके इस जगत से चला जाना है, इसी में श्रेय। प्रहलाद महाराज जी अपने पिताजी को समझा रहे हैं, बचपन से ही भगवान का भजन करो, बूढ़े अवस्था में कमर सीधी नहीं होगी, नहीं भजन कर सकोगे, इसलिए बचपन से ही भगवान का भजन तुम थोड़ा थोड़ा करो, तो जो कुछ भी तुम काम कर सकोगे जीवन में सुखी हो सकते हो। नहीं कर कदापि कोई सुखी नहीं, हिरण्यकश्यपु नहीं रह सका, रावण सोने की लंका, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, मेघनाथ जैसा पुत्र, मंदोदरी जैसी पतिव्रता नारी, सब कुछ होते हुए भी कुंभकर्ण जैसा भैया नहीं सुखी रह सका। उसके वंश में एक दिया बत्ती देने के लिए भी कोई नहीं बचा, इस चीज को समझिए। ये सब रहने पर भी आप लोग उसको उपार्जन करके उतना भी धनी नहीं हो सकते, सोने का घर नहीं बना सकते, थोड़ा सा सोना आप इकट्ठा कर सकते हैं किंतु नहीं सुखी रह सकते, उसको छोड़ करके जाना पड़ेगा। रावण नहीं रह सका सुखी, कुंभकर्ण नहीं रह सका, आप कैसे रह सकेंगे? विद्याएं इतना जानता था कि आकाश में उड़ सकता था, मन की गति से अपना कोई भी रूप बदल सकता था, पानी के ऊपर में चल सकता था, हवा में चल सकता था, स्वर्ग को ऐसे ही चला जा सकता था, इंद्र को भी पराजित कर दिया और तभी नहीं सुखी रह सका। हमारा धन और संपत्ति और विद्या बुद्धि कितनी है, इसलिए बुद्धिमत्ता इसलिए है मनुष्यों की, कुछ भजन करके जाओ, आपका जो बिगड़ा हुआ काम है वो भी बन जाएगा। अब ये देखिए, देवी जी को सब लोग आदर करते हैं, क्यों? हम भी इनको स्नेह करते हैं, क्यों? बड़े बड़े धनी लोगों से हमारा कोई भी मतलब तात्पर्य नहीं है, इसलिए कि कुछ भक्ति है, भक्ति के लिए। इसलिए हमारी जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, जो अभी बच्चे हो रहे हैं, नाती हैं आप लोगों के हैं, वो लोग भी भगवान का भजन में लगें। मत समझे ये बेकार की चीज है, ऐसा मत समझिए, नहीं नहीं सुखी रह सकते, ये गारंटी है। ये सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, शरीर भी छूट जाएगा, इसलिए बचपन से ही अपने बच्चों को, जो घर में बहुएं आए उनको भी शिक्षा देनी है। घर का काम करो ठीक है, जीविका का निर्वाह कीजिए, किंतु भगवत भाव लगा करके कुछ थोड़ा सा सवेरे थोड़ा सा हरिनाम कर लिया, अब लेकर के अपने ऑफिस में जाओ, काम करो, बिजनेस वाणिज्य सब कुछ करो, जैसे पांडव लोग करते थे, जैसे गोपियां करती थी। किंतु भजन किसको कहते हैं ये समझना पड़ेगा। एक आदमी है, कांतिलाल जी हैं, आप लोग हैं, इनके भैया हैं, यदि आपका लड़का बीमार पड़ा तो आप कितना रुपया उसके लिए खर्च कर सकते हैं? डॉक्टर ने कहा इसके लिए 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपया खर्च होगा, आप करेंगे कि नहीं? जहां तक होगा नहीं होगा, पैसा तो घर बेचकर भी करेंगे, फकीर हो जाएंगे तभी करेंगे, लड़के को बचाना है। और आपके पड़ोस में एक लड़का बीमार है,
उसके पास कुछ नहीं है तो उसके लिए कितना खर्च करेंगे? यदि अच्छे हैं तब तो उनके लिए कुछ कर देंगे, किंतु उसके लिए अपना घर बेचेंगे, 10-20 लाख रुपया देंगे? क्यों? संबंध नहीं है। तो इसी तरह से जो बिना संबंध का भगवान का भजन करता है उसका मूल्य थोड़ा कम है, बहुत कम। और जो भगवान से संबंध रख करके थोड़ी भी सेवा करता है तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। इस चीज को समझो, जब तक भगवान से संबंध नहीं है हमारे प्रभु हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे सखा हैं, मेरे प्रियतम हैं। इन संबंधों में से एक कोई संबंध गुरु के द्वारा प्राप्त होकर के तब भगवान का भजन करता है तो वो ठोस भजन होता है। और यदि ये संबंध नहीं हुआ तो ये संबंध किसी न किसी दिन फिर उसको आकर के कर करके भजन मार्ग में चलेंगे तो आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए पहली श्रेणी है, पहला है स्कूल में जाकर के अपना नाम लिखवाओ रजिस्टर पर, एडमिशन लेना पड़ेगा, एडमिशन लेना ही यही हरिनाम दीक्षा अथवा गुरु ग्रहण है एडमिशन। और वो बतलाएंगे ये कृष्ण के साथ में तुम्हारा क्या संबंध है, आप लोग इस पृथ्वी के लोग नहीं हैं, ये समझिए। जीवा शरीर हो सकता है मिट्टी से, किंतु हम जो स्वरूपतः हैं लोग वृंदावन के निवासी हैं, इस चीज को समझो, हम आत्मा हैं। भगवान की काश को भूल करके, अपना स्वरूप भूल करके हम यहां पर पड़े हुए ऐसे ऐसे काम में लगे हुए हैं, इस चीज को समझिए। उनके साथ में हमारा कोई रिश्ता संबंध है, अभी संबंध भी भूल करके एक स्त्री ने दूसरी स्त्री को अपना पति बना लिया है, वो समझती है कि हमारा ये पति है। जैसे अभिनय में कोई अभिनय हो तो एक लड़का बन गया कोई लड़की, और लड़का तो लड़का ही है और वो अभिनय कर रहे हैं, इसके बाद में अभिनय खत्म हो गया, अपना अपना वेश बदल दिया, दोनों लड़के हैं। इसी तरह से स्वरूपतः हम सभी शक्ति के से निकले हुए हैं, जीव शक्ति हैं। अभी हम कोई पुरुष बन गए, कोई स्त्री बन गया, कोई बाघ बन गया, कोई भागनी बन गई, कोई भालू बन गया, कोई भालुनी बन गई। इस तरह से हम लोग परस्पर शादी विवाह ये सब कर रहे हैं, किंतु जब मुक्त हो जाएंगे देखेंगे अरे ये क्या कर रहा था। कृष्ण ही एकमात्र जगत के पति हैं, वही एकमात्र बंधु हैं, वही हमारे सखा हैं, वही हमारे प्रियतम हैं, इस चीज को समझना चाहिए। इसलिए अभी स्कूल में एडमिशन लेकर के हम यदि उचित पद्धति से प्रोसेस से हम भगवान का भजन करेंगे तो थोड़ा भी करेंगे तो पूरा हो जाएगा, और यदि प्रोसेस में नहीं आए और भजन कर रहे हैं तो एक दिन करते 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 किसी साधु संत से होगा, धीरे 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 उस प्रोसेस में आकर के एडमिशन लेकर के तब फिर भगवान से संबंध लेकर के भजन करेंगे। आज अधिक समय हो गया है, वैष्णव लोग भी प्रसाद पाएंगे और शाम को हम लोगों को भी जाना है नदी, आप लोग सभी चलेंगे। कल अच्छा रहा, काफी लोग आए, जितने भी लोग आए बहुत आनंद की बात रही। आज शायद और भी लोग आएंगे, कुछ सुने हमारे भारतीय संस्कृति। भारत माने क्या होता है? भा र त, भा भा माने प्रकाश, प्रकाश में जो रत है, प्रकाश में जो चलता फिरता है उसको कहते हैं भारत। माने क्या हुआ? तमसा मा ज्योतिर्गम, अंधकार में मत जाओ, कहां जाओ? ज्योतिर्में जाओ। ये भारत प्रकाश का स्थान है, क्या? भगवत भक्ति ही वह प्रकाश है जो और किसी देश में नहीं था, यहीं से उसका उद्गम होता है, जिसको ब्रह्मा इत्यादि लोग कृष्ण की कृपा से इस जगत में प्रकाश किया। इसलिए अंधकार में मत जाओ, अंधकार माने क्या?
अज्ञानता की तरफ। हम लोग संसार में अभी जो अपना मान करके शरीर को और अपना ये वस्तुओं को अपना मान करके चले, ये अंधकार है, ये घोर नरक की तरफ में ले जाएगा। और प्रकाश क्या है? विश्व ब्रह्मांड के नियंता प्रभु हैं, मालिक वो हैं, हम उनका भजन करके भगवान की तरफ चलेंगे। ये है भारत का भाव। इसलिए आप लोग किसी न किसी प्रकार से भारत से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस तरफ में बढ़ने की चेष्टा करेंगे। आपके बच्चे भी भगवान की तरफ में आए, बहुएं भी आए, सब लोग आपके संपर्क में जो आए, आपके फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को भी कुछ नहीं है। अच्छा, तुम ऐसे ही हरे कृष्ण करो, देखो जैसे वो बदल जाएंगे, फैक्ट्री में उत्पादन भी अधिक होगा, घर में भी और बच्चे लोग सब सुख से रहेंगे, और नहीं तो घर में कलह होगा, वहां पर भी कलह हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, भगवान के भजन में चलेंगे, इसमें एनर्जी और पैसे के खर्च का कोई बात नहीं, सहज रूप में भगवान से प्रीति हो, भगवान से नाता संबंध जोड़ करके, और आप लोग भजन कीजिए और सुखी रहिए। गौर प्रेमा ब्रज का ब्रज की रखवाली क्या हमारे ब्रज के रखवाली चलो क्या करें, समझते हैं इसलिए आराम करने के लिए यहाँ पर है, और शहर के बाद कोई कोई लोग स्थान है उनका आपसे मिलना चाहते हैं, ये मिलने है जी मिलने में, और बाद में वहाँ पर भोजन करके आराम करेंगे।
ठीक जगह खाली कर देंगे प्रभु कृष्ण के विधान। ये कौन है? यह है इंडिया से आए हैं। इंडिया से? कहाँ से? मैं महाराष्ट्र से। बहुत तो, कितना दिन रहेंगे? अभी 3 साल रहूंगा। 3 साल।